अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इमरानुल हक है, एन एवरेज कंसल्टेंट रहीम यार खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफबीए होलसेल से रिलेटेड है। एफबीए होलसेल में न्यू बीज को जो सबसे कॉमन एक इशू फेस करना पड़ता है वो है ब्रांड हंटिंग का, कि ब्रांड से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, ब्रांड कैसे तलाश किया जाए। उसमें होता ये है कि न्यू बीज जो है वो पहले तो स्टार्ट करते हैं उसकी एक्सेल फाइल बनाना, ब्रांड्स को एक एक करके पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, यानी वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस होता है। उसमें वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप लोग के इतना लेंथी प्रोसेस, और फिर डेली की आप 8 से 10 ईमेल कर पाते हैं, इससे ज़्यादा ईमेल भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 8-10 ईमेल्स करेंगे तो ब्रांड इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। आपको डेली कम से कम 50 से 100 मेल करनी पड़ेगी। अगर आप 50 से 100 मेल करते हैं तो देन आपको विद इन 2 वीक इंशाल्लाह ब्रांड मिल जाएगा। ठीक है, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आपने ब्रांड को अप्रोच करना है। सबसे पहले तो ये देखें, आपने अमेजोन की सर्च बार पे आ जाना है। ठीक है, आप यूके में, यूएस में, जहाँ भी हैं आप, फिर वो मार्केट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने टाइप करना है जो भी आप प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, जिस कैटेगरी में करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं टाइप करता हूँ किचन एसेसरीज। ठीक है, जब मैंने ये टाइप किया तो मेरे सामने ये डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेट करना है कि इसको अच्छे तरीके से लोड होने दिया जाए। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, इसके लोड होते ही फिर मैंने मेक श्योर करना है कि मेरी JS की एक्सटेंशन उस वक्त एक्टिव हो। क्यों? अगर JS की एक्सटेंशन एक्टिव होगी, JS की एक्सटेंशन उस वक्त एक्टिव होगी तो उससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे ये नीचे ही ना यहाँ पे हर प्रोडक्ट के स्टैट शो करना शुरू कर देगा, उसकी डेली सेल, उसका रेवेन्यू, डेटा ऑफ अवेलेबल, एसन, नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, एटसेट्रा, हर चीज वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। इससे मेरा टाइम बच जाएगा कि मुझे एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं क्विक वे से यहीं से पिक करूंगा ब्रांड का नेम और कॉपी पेस्ट करके आगे जाऊंगा। ये देखें, जैसे ये प्रोडक्ट वो शो कर रहा है जी, यहाँ इस पे 1 सेलर है, इस पे 20 सेलर हैं, इस पे 7 सेलर हैं, इस पे 6 सेलर हैं। ठीक है, आपने करना क्या है कि जिस प्रोडक्ट पे आपको 4+ सेलर नजर आएंगे, 4 या 4 से ज्यादा, उस प्रोडक्ट के नीचे आपने ये देखें, ये ब्रांड नेम शो हो रहा है। ठीक है, ये सेलर हैं, 20 सेलर हैं, आपने चुप करके ये ब्रांड नेम को कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है गूगल में, गूगल में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करना है और सर्च मारनी है। ये लें जी, इतना सा काम है। ये वेबसाइट आ गई ब्रांड की, इसको मैं करता हूँ ओपन। अब मैं देखता हूँ कि इसको कॉन्टेक्ट कैसे करना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा तो होता है कि ब्रांड की ईमेल ही यहाँ पे आ जाती है सामने उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, और अगर नहीं आती तो उनका कॉन्टेक्ट अस का ये होता है। इसके अंदर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये लें जी, इन्होंने फॉर्म डिस्प्ले कर दिया है। जस्ट बस आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, नेम, ईमेल जो आपकी कंपनी का प्रोफेशनल ईमेल है उसको, और फोन नंबर। फोन नंबर आपने पाकिस्तान का नहीं करना, यूके, यूएस, जहां भी आप कर रहे हैं उसी कंट्री का आपने फोन नंबर यहाँ पे डालना है। और नीचे मैसेज में आपने वो जो ईमेल टेम्पलेट एनेबलर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, या फिर खुद से अगर आपने कोई अपना टेम्पलेट बनाया हो तो उसको यहाँ पे डालें और जस्ट सेंड कर दें। ठीक है, ये हो गया जी, ये आपकी मेल चली जाएगी ब्रांड के पास। इसी तरह जो फर्स्ट 2 पेजेस होंगे ना, आपने उन 2 पेजेस पे ये चीजें देखते जाना है, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ये देखें, ये कहता है जी अमेजोन भी बैठा हुआ है। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन है या नहीं है, लेकिन अगर अमेजोन है भी तो कोई इशू नहीं है, आप इस ब्रांड को ईमेल करें। ठीक है, क्यों? ये कौन सा इसकी एक प्रोडक्ट होगी, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। वो जब आपको ब्रांड एक्सेल शीट भेजेगा उसमें 100, 1000, 5000, बहुत सारी प्रोडक्ट होंगी। फिर आप उन उन प्रोडक्ट पे आपने जाके फिर काम करना है और देखना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल और क्विक वे है ब्रांड को सर्च करने का। ठीक है, इस मेथड से अगर आप करेंगे तो डेली आप 100 से 100 ब्रांड्स को तो इजीली आप ईमेल्स कर सकते हैं, और जस्ट 2 आवर में। ठीक
इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें ये है कि आपने कुछ नहीं देखना, ये नहीं देखना कि इसका रेवेन्यू कितना है, इसका BSR कितना है, कुछ नहीं देखना। जस्ट आपने ब्रांड नेम कॉपी करना है, गूगल में पेस्ट करना है और आपने ब्रांड को ईमेल करके आ जाना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो आपने बाद में करनी है, जब आपको ब्रांड मिल जाएगा, उसकी शीट, एक्सेल शीट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह प्रोडक्ट रिसर्च पे भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिंपल वे है, आपने प्रोडक्ट में क्या देखना है, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यूबीज के लिए भी और जो हमारे पुराने होलसेलर, हमारे पुराने दोस्त होलसेल में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगी।